एटीएम के अंदर फ्रॉड करने वाले को आपने गिरफ्तार किया है, सर किस तरह से वो फ्रॉड करता था और अब तक कितने फ्रॉड कर चुका है बताइए। सितंबर 2019 में हमारे यहाँ पे ऑरलेम चर्च के सामने कोटक महिंद्रा का जो एटीएम है वहाँ पे स्किमर डिवाइस लगाया हुआ है, इस तरीके का एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। उस केस के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सीसीटीवी फुटेज के थ्रू, तो हमें पता चला कि जो अक्यूज़ है वो मुंबई के एक इलाके में है, वहाँ से हमने उनको अरेस्ट किया। तो पता चला कि ये किस तरीके से फ्रॉड करते थे। इनके पास स्किमर डिवाइस था, जो स्किमर डिवाइस वो एटीएम सेंटर में मशीन के ऊपर लगा देते थे। जब भी कोई कस्टमर अपना कार्ड स्वाइप करता था उसका इन्फॉर्मेशन उस कार्ड उस डिवाइस में स्टोर हो जाता था, एंड एक छोटा सा कैमरा वो उसके ऊपर लगाते थे जिससे उनको पिन पता चल जाता था। फिर वो डिवाइस निकालने के बाद उस डिवाइस में जो इन्फॉर्मेशन होती है, कस्टमर के जो डिटेल्स होते हैं कार्ड के, उसको वो ब्लैंक कार्ड के ऊपर उतार के फिर कार्ड का क्लोन क्रिएट करके उसके थ्रू पैसे निकालते हैं। इस तरीके से इनके ऊपर दिल्ली में भी क्राइम रजिस्टर हुआ हुआ है एंड गुजरात में भी क्राइम रजिस्टर हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है। जो आरोपी है इसमें इसके पास से क्या कुछ रिकवरी हुआ है और क्या उसने कबूला अब तक कितने गुना इस तरह से कर चुका है। अभी फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये दिल्ली और गुजरात के बारे में तो हम श्योर है, मुंबई में भी और जगह पे किए होने की पॉसिबिलिटीज़ है, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। एंड इसके पास से भी कुछ डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं, एंड हमने एटीएम मशीन जो स्कीमर मशीन है उसको तो पहले ही सीज कर लिया हुआ है। आरोपी 23 ईयर्स ओल्ड है एंड पैसे की एक जल्द पैसे कमाने के इंटेंशन से इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है।